वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल एंड टिप्स। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और फिट होंगे। तो टाइम है, देखो कितना बजा, 2:30 बजा है और मैं जा रही हूँ किचन में। तो किचन में अभी तक मैं किचन में ही थी और इधर मैंने चाय चढ़ा दिया है, चाय मेरी पक रही है। दूसरी तरफ मैंने बनाया है उपमा, तो उपमा मिश्रा जी लोग खा रहे हैं और चाय मेरी बन रही है। तो चाय बना के फिर छान के सबको देती हूँ। और एक सेकेंड, थोड़ा सा आप भी खा लीजिए। वैसे मैं लेफ्ट हैंड नहीं चला पाती हूँ तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पाता, लेकिन आप भी खा लीजिए और बताइए कैसा बना है। तो अभी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है, साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम बुखार की समस्या है। तो मैंने डॉक्टर को दिखा लिया है, मैंने दवा ले लिया है और दवा खा रही हूँ मैं लगातार। तो अभी मैं सबसे पहले चाय छान लेती हूँ और चाय मैं आपको दिखाती हूँ बहुत अच्छे से। उसमें मैंने खूब ढेर सारी डाली है तुलसी की पत्तियाँ और अदरक, बस और कुछ नहीं डाला है। तो मिश्रा जी और ज्ञानू को बिल्कुल भी उपमा नहीं पसंद है, इसलिए उनके लिए मुझे बनाना पड़ा चीला। तो ये बस बेसन का चीला है और बस इसमें नमक डाल दिया है और कुछ नहीं डाला है। तो ये बना लेती हूँ फटाफट से और फिर उनको देती हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी आसानी से बन जा रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आप बनाओ ना तो थोड़ा सा नीचे तेल लगा दीजिएगा तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। और ये यहाँ पे पक गया है बहुत बढ़िया तरीके से, तो इसको मैं निकाल लूँगी। तो उसके साथ मैंने फिर चीले के साथ थोड़ी सी सब्जी भी बना दी थी उसी तवे में, और ये मिश्रा जी को मैंने दे दिया। मिश्रा जी जा रहे थे पढ़ाने तो मैंने सोचा नाश्ता भी हो जाएगा इनका थोड़ा बहुत। और ज्ञानू अपना फ़ोन चला रहा है और फिर इनको मैंने पूछा कैसा बना है, इन्होंने बताया बढ़िया बना है। और ये मेरे छोटे नवाब भी खा रहे हैं, देखो आप कैसे खा रहा है, बहुत क्यूट है ये। और अब ये जाने वाला है तो मेरे घर में बहुत सूना सूना लगने लगेगा। तो अभी हम लोग आए हैं इधर इस वाली छत पे तोड़ने के लिए तुरई। तो तुरई मिश्रा जी उधर ढूंढ रहे हैं कितनी है, 2-4 मैंने भी देखी हैं जैसे कि इधर, लेकिन ये ना इतनी बड़ी नहीं है कि इनको तोड़ा जा सके, देखो ये वाली। और वो उधर भी लगी हुई हैं, वो लोगों को मिल गई बड़ी बड़ी। तो बड़ी बड़ी वो लोग पहले ही ढूंढ चुके थे, तो मैं बाद में आई, मैंने मुझे नहीं दिखा। मिला, तमाम तुरई मिल गई हैं इन लोगों को, मतलब ढेर सारी। हाँ हाँ, तमाम नहीं बोलते, ढेर सारी बोलते हैं बस। तो ऊपर से दिखाती हूँ ना व्यू। देखने गिरना, हम नहीं गिरेंगे। पंद्रह बीस मिल गई हैं, तो चलिए फिर चलते हैं नीचे और बनाते हैं खाना। अरे मिश्रा जी कहाँ लटके जा रहे हो? कद्दू ला रहे हैं। कद्दू ला रहे? कद्दू पेड़ है क्या वहाँ? अच्छा वो है, आप लोगों को दिखाती है इधर। अरे कद्दू को कहते हैं उंगली नहीं दिखाना चाहिए, वरना अगर उंगली दिखा दो ना तो वो फिर उसकी जो पेड़ होते हैं वो खराब हो जाता है, लेकिन मैंने तो दिखा दिया, क्या किया जाए। मैंने कद्दू को उंगली दिखा दी, अब क्या किया जाए। कद्दू खराब हो गया, हम उंगली नहीं कटवाएंगे भैया। उंगली दिखाने से कद्दू खराब हो जाता है। हाँ तो लेकिन उंगली नहीं कटवाएंगे, कद्दू खराब हो जाने दो। तो ये आई थी मैं इधर, आप देख सकते हो मिश्रा जी अपना जो किचन गार्डन था, जो फ्लावर के बहुत सारे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना वो थे। तो उन्होंने कहा कि लाओ इन सबको ठीक कर दिया जाए, वरना सारे गिरे जा रहे थे। और देखो आप सूखा सूखा भी हो गया है बहुत ज़्यादा, मतलब मिट्टी सूखी सूखी सी हो गई है। तो इसमें पानी वानी डालने के लिए यहाँ पे ऐसे कुछ गड्ढा गड्ढा बना दिया जाता है, जिसको थलहा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो चारों तरफ से बना देते हैं, फिर पानी जब डालते हैं तो वो भरा रहता है थोड़ी देर के लिए और अंदर तक सोखता रहता है, वरना बह जाता है।
तो ये मिश्रा जी अपना किचन गार्डन भी आज ठीक कर रहे हैं। और ये क्या हुआ कि जैसे अब जो नई नई चीज़ें होती हैं वो बोनी पड़ेंगी, नया फसल, तो उसमें जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया और सोया मेथी हो गया, ये सारी चीज़ें अब बोनी है, तो ये सब कुछ अब उखाड़ दिया जाएगा, ये सब मतलब हटा दिया जाएगा यहाँ से, और जो ठंडी में होने वाली चीज़ें होती हैं उनको लगाया जाएगा, जैसे कि फिर बहुत सारी सब्जियाँ होंगी। तो ये दो हैं बैंगन के पेड़, बाकी तो सारे पानी भर गया था जिसकी वजह से सूख गए, और ये देखो आप उधर भी लगे हुए हैं, ये वाला, ये इधर भी लगे हैं और इधर भी, बाकी आज सारा मिश्रा जी साफ़ कर दिए, देखो ये सारा कितना साफ़ कर दिए। अब यहाँ पे पेड़ लगाना पड़ेगा कुछ, मतलब बहुत सारे पेड़ लगाने पड़ेंगे, तो अब जो भी लगाएंगे अब जल्दी में ही लगाया जाएगा, तो मान लो बारिश वारिश हो जाती है तो फिर क्या निकाल देना नई सब्जी नहीं निकाली जाएगी। और ये है मेरे केला के पेड़, तो ये भी है, पहले यहाँ पे अनार का पेड़ भी था, तो ये सारे इधर भिंडी के पेड़ हैं, वो ये वाला तुरई का पेड़ है, और आपको दिखाती हूँ ये इधर, ये सारे अरुई के पेड़ थे लेकिन सब में पानी भर गया था जिसकी वजह से सब सूख गया है, तो अब थोड़ा सा पानी जब नीचे जाएगा तब ये सारे यहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे। और अब फिर से अब टाइम आ गया है कि सब पूरा किचन गार्डन सही किया जाए। और मेरे घर के किसान को देख लो, किसान क्या हो रहा है बताओ, किसान इधर देखो एक बार, हाय बोलो। तो क्योंकि आज सारी भिंडी सारे पेड़ ये सब निकालने हैं, तो इसके लिए मिश्रा जी ने बोला कि जो भी भिंडी दिख रही हो उसको तुम तोड़ लो, तो ये भिंडी यहाँ पे मैंने तोड़ ली है, और जो भी मुझे दिखेगा वो मैं तोड़ लूँगी। तो भिंडी अभी थी ये वाली, लेकिन अब ये जो आती है ना, ये तो ये बहुत कड़ी कड़ी हो जाती हैं, ये बनाने में बहुत देर से पकती हैं और खाने में भी वो स्वाद नहीं होता है पहले वाला। तो इधर आप देख सकते हो लौकी है, तो इनको भी मैं तोड़ लूंगी। तो आज खाने में बनेंगे दाल के पराठे, ये छोटी छोटी सी दाल होती है, हमारे यहाँ खड़ा उड़द ले लिया जाता है, तो उसको जब दाल बनाया जाता है ना तो वो टूट के बिल्कुल छोटा छोटा हो जाता है, तो उसको आटे के साथ मिक्स कर लिया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो आटा और छोटी वाली दाल दोनों हैं। और यहाँ पे खूब ढेर सारा लहसुन और ढेर सारा मिर्च और नमक एक साथ तीनों पीस दिए गए हैं, और इनको बढ़िया अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया जाएगा। तो इसमें जितना आपका दाल हो उतना ही आपका आटा भी होना चाहिए, और आप इसमें छोटी छोटी सी प्याज डाल दोगे ना, इतना बेहतरीन टेस्ट आएगा, इतना मस्त स्वाद आएगा कि आप मेरे बताने से नहीं समझ पाओगे, आप एक बार खुद बनाइए, और इतना अच्छा टेस्ट होता है ना कि आप खा के एक बार देखिएगा, तो देखना आप तारीफें करोगे मेरी। तो मम्मी ने सिल और बट्टे पे पीसा था, और ये मम्मी की रेसिपी है, मुझे बनाना नहीं आता है, तो मम्मी बनाती हैं, और सच पूछो ना तो मम्मी के हाथ का स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो ये आटा मेरा गूंथ के तैयार हो गया है, तो इनको कुछ इस प्रकार से सेक लेना है, आप देख सकते हो, और बस तेल डालना है, उसके बाद रोटी जैसे मैंने पानी वाली बनाई थी सेम वैसे ही इसको कर देना है, और बस फिर हमारी ये कुरकुरी सी रोटियां तैयार हो जाती हैं। मेरे घर में सबको इतनी पसंद है ना कि अगर ये बन जाती है तो फिर खाना बनाओ या ना बनाओ काम चल जाता है। तो आप देख सकते हो इनको अगर आप गैस में बना रहे हो तो बहुत ही लो फ्लेम पे बनाइएगा, क्योंकि ये जितना कुरकुरा होगा, इन जितना कुरकुरी होंगी उतना ही इनका टेस्ट अच्छा होगा। तो यहाँ पे एक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ मम्मी कैसे बना रही हैं। तो कुछ ऐसे अच्छे से उलट पलट के कुरकुरी सी सेंक लीजिए, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं। तो आज के व्लॉग में यहीं पे एंड करूँगी, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ बस लाइक कर दीजिए और शेयर करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में, वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं फिर से मिलूँगी, बाय बाय।